फरवरी नमस्कार, मैं हूँ ब्रजेंद्र। आपके लिए एक बार फिर से गणित विषय का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम वृत्त के टॉपिक को समाप्त करेंगे और वृत्त संबंधी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन्हें हम पढ़ेंगे, उन्हें हल करना सीखेंगे। सबसे ज़रूरी बात, मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊँगा। यहाँ पर कुछ शॉर्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आपकी परीक्षा में लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आप सवाल देख करके, सवाल पढ़ करके बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हैं, ओरल आंसर दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं तो दो तीन ट्रिक आपको ऐसे मिलेगी जिनसे वृत्त के प्रश्नों को हल करने में आपको 2 से 3 सेकेंड लगेगा, या यूँ कहें कि जितना समय आपको पढ़ने में लगेगा उतना ही समय आपको लगाने में लगेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें ताकि आपके द्वारा किसी और का भला हो सके। तो पहला सवाल मैंने लिखा, यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। परिधि का मान होता है 2πr, और नई त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, नई त्रिज्या में कितना 20% बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो r का 20, r का 120%। कुछ लोग क्या करते हैं, r का 20% निकालेंगे, जो आएगा उसको फिर r में जोड़ेंगे। तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, वो आपका ओल्ड कैलकुलेशन है, वो आपको नहीं करना है। हमें अगर 20% बढ़ाना है तो सीधे r का 120% कैलकुलेट कर देंगे तो हमें सीधे वो 20% बढ़ा हुआ मान आ जाएगा। तो हमने क्या किया, r का 120% सॉल्व किया, तो आप 20 का 120 20 25, तो नई त्रिज्या बढ़ी हुई त्रिज्या के 6r/5 ये नई त्रिज्या, या कह सकते हैं बढ़ी हुई त्रिज्या है। तो नई परिधि क्या हो जाएगी, नई परिधि 2πr, ये हमारा हो गया। तो यानी कि 6 × 12 12πr/5, ये हमारी जो है नई परिधि आ गई, 6 × 12 12πr/5। अब भाई परिधि में वृद्धि होगी तो क्या करना होगा, भाई जो नई हमारी परिधि है वो बड़ी होगी ना, तो बड़ी से छोटी को माइनस करेंगे तब तो हमें वृद्धि पता चलेगी। तो हमने क्या कर दिया, परिधि में जो वृद्धि है, नई परिधि माइनस पुरानी परिधि, तो नई परिधि कितना है भाई, 6 × 12, तो 12πr/5, पुरानी कितनी है भाई, 2πr। तो हमने इसको भिन्न के तरीके से हल कर दिया, तो 5 × 10, तो 12πr/5 और माइनस 10πr/5, तो 12 में से 10 किया 2, तो जो वृद्धि है 2πr/5 ये वृद्धि आई, लेकिन हमसे प्रतिशत वृद्धि पूछा है ना, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए फार्मूला होता है वृद्धि गुणे 100/√2। ये फार्मूला आपको 75 के चैप्टर में भी काम देगा, यहाँ भी देगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100/√2। तो वृद्धि का मान कितना भाई, 2πr/5 × 100/√2 2πr, तो 2πr से 2πr हो गया कैंसल, और 5 × 10 तो कितना आ गया 20%। ये तो हमने कॉन्सेप्ट से हल किया। तो ये नियम है, ये इसका ट्रिक है, कह सकते हैं कि ये यहाँ लिखा हुआ है कि त्रिज्या को x प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो परिधि भी x प्रतिशत ही बढ़ेगी या घटेगी, अर्थात हमें इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम सीधा प्रश्न पढ़ते और तुरंत देख लेते कि 20% बढ़ा तो जो परिधि होगी वो भी 20% ही बढ़ेगी, लेकिन ध्यान में देना होगा कि परिधि उतने ही प्रतिशत बढ़ती है। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल कह देगा तो फिर वो अलग आंसर आएगा, उसका आगे हम जिक्र करने वाले हैं। तो क्या ध्यान दिया आपने, यही कि अगर त्रिज्या को बढ़ाया जाए तो परिधि भी उतने ही प्रतिशत बढ़ेगी या घटेगी। तो परिधि की हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान देना होगा। चाहे हम कह दें कि भाई त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी परिधि कितने प्रतिशत बढ़ेगी, तो 50% ही बढ़ेगी, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। घटाने की बात कहेंगे तभी भी वही करना है। अगर उन्होंने कहा कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 30% तो उसका क्षेत्रफल उसकी परिधि कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, तो आंसर 30% ही आएगा। तो परिधि की बात करेंगे हम यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्रफल जो हम कह रहे थे, क्षेत्रफल आ गया, तो दोनों सवाल अलग अलग हैं, एक में क्षेत्रफल एक में परिधि। तो क्षेत्रफल में क्या करना होगा, क्षेत्रफल को पहले हम कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। वही पूरा सवाल है कि त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। अब यहाँ पे आंसर 20 नहीं होगा, तो जल्दबाजी में इतना खुश मत हो जाइए, ये देखना भूल जाए कि परिधि था कि क्षेत्रफल था। परिधि है तो ठीक है, तो 20 आंसर आएगा, लेकिन क्षेत्रफल है तो 20 आंसर नहीं आएगा। क्या आएगा, हल करके देखते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट से हमने हल किया यहाँ पे। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी हमारा मूल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब नई त्रिज्या 20% बढ़ेगी, वही वही कितना अभी हमने निकाला था चैप्टर, तो 6r
क्षेत्रफल क्या होता है भाई यहाँ पे, छः आर बटे पाँच त्रिज्या आ गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 6×36 आर स्क्वायर बटे 5×25, तो ये नया क्षेत्रफल ये आ गया 36 पाई आर स्क्वायर बटे 25, ये नया क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे याद करेंगे भाई, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल, तो 36 पाई आर स्क्वायर बटे 25 माइनस पाई आर स्क्वायर, चूंकि ये नया बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है, ये पुराना क्षेत्रफल, जो बड़े वाले में से पुराना घटाएंगे तभी तो वृद्धि हमें मिलेगी, हमने घटा दिया तो 25×25 तो 36 पाई आर स्क्वायर माइनस 25 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 36×25=11, तो हमारी जो वृद्धि है ये 11 पाई आर स्क्वायर बटे 25, ये तो हमारा वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि, फिर वही चीज वृद्धि गुणे 100 बटे मूल क्षेत्रफल, तो वृद्धि 11 पाई आर स्क्वायर बटे 25 गुणे 100 बटे मूल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो वही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा कैंसिल, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, देखिए 11 बटे 25 गुणे 100, तो हमने वही लिख दिया अभी 11 गुणे 25 गुणे 100, अब इसको हम 25 चौका 100 कर दिया हमने, और 11 तो कितना 44% हमारा ये आंसर आया। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक मैंने यहाँ साइड में लिखा हो, देखिए ट्रिक क्या कहती है, थोड़ा सा ड्राई करना होगा हमें इसको, अब बहुत छोटा हो गया, एक मिनट, चलिए हम वैसे यहाँ पे ये क्रॉप ज़्यादा हो गया, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। कह रहे हैं कि मैंने लिखा यहाँ पे, यदि त्रिज्या में एक्स वृत्त की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि होती है 2x×x²/100, यहाँ पे पूरा देख नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको 2x×x²/100 यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने इसको ट्रिक से हल किया, 2×20×20×100, तो 20×2=40 और ये 0 से 0 दोनों कट गया। ठीक है, 2×2=4, 44, तो ट्रिक से तुरंत फास्ट आ जाएगा, आगे एक सवाल में और इसका हम जिक्र कर देंगे। याद रखिए हमने यहाँ लिख देते हैं फार्मूला क्या है, ये 2x लिखा है नहीं, 2×x यानी जो वृद्धि आप कर रहे हैं ये, इसके बाद वृद्धि है तो प्लस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि जो हमारा है एक्स स्क्वायर कर देंगे और एक्स स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 100, तो ये फार्मूला हमारा उधर हमने लिखा जो कम आपको दिख रहा है, ये इसको आप सुन लीजिए, सुनना ज़्यादा जरूरी है, बाकी तो लिख नहीं पा रहा सही से, तो 2x+x²/100 ये होगा। तब जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, परिधि की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, तो ध्यान देने योग्य बात यही है कि हमसे क्षेत्रफल का सवाल पूछा है कि हमसे परिधि का पूछा है, क्षेत्रफल का पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे तुरंत, कॉन्सेप्ट मैंने बताया, फार्मूला ये 2x+x²/100। ठीक है, माइनस जब कमी होगी तो हाँ बीच में माइनस कर देंगे, आगे के सवाल में उसको हम करा रहे हैं। ये देखिए वही सवाल आ गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है, तो जब यही ट्रिक वहाँ भी करेंगे, जब बढ़ाने की बात करेंगे तो यहाँ बीच में प्लस का निशान रहेगा और जब घटाने की बात करेंगे तो यहाँ माइनस, तो 2x-x²/100 कर देंगे तो जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था वो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए 25×50-25 = 625/100, और यहाँ इसको काटने की गलती ना किया, अगर काटने पर और लेंदी हो जाता है चूँकि पॉइंट में आंसर चला जाता है ना, तो थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होता है, तो यहाँ पर क्या ईजी होगी, 25×625 याद रहेगा बटे में 100, तो 2 अंक तुरंत लगा देंगे फट से, तो 50-6.25। अब क्या करेंगे, 50 में से पहले 6 घटा देंगे कितना 44 आ जाएगा, 44 में से फिर 25 घटाएंगे कितना 43.75%, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो आई होप समझ गए आप, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, बस ध्यान ये देना है कि ये आपका किसका है, ये आपका है क्षेत्रफल का। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं, 14 मीटर ऊंचा वाले वर्ग के अंदर निर्मित सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ा इजी है भाई, वर्ग जो हमारा होगा अगर आप थोड़ा इमेजिन करें ऐसे, तो वर्ग में जब हम बड़ा से बड़ा वृत्त बनाएंगे तो वृत्त ऐसे थोड़ा सा रफली फिगर आप देख लें शायद समझ में आ जाएगा, ये मान लीजिए वर्ग है, इसमें जो बड़ा थोड़ा वृत्त बनाएंगे ऐसे ऐसे क्योंकि, तो इसका जो व्यास होगा वर्ग की भुजाई तो होगी भाई, व्यास वर्ग की भुजाई तो होगी, तो हमने लिखा वर्ग की भुजा किसके बराबर होगी, वृत्त के व्यास के बराबर, और वो वृत्त का व्यास किसका 14 मीटर दिया गया, ये पूरा ड्रैग हो गया यहाँ पे 14 लिखा हुआ है ये, तो वृत्त की त्रिज्या क्या 14/2 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो मेरा दिया 154, बड़ा ईजी है सिंपल सा है, लेकिन ध्यान देना होता है कि वर्ग में जो बड़ा सा बड़ा वृत्त होता है उसका जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों पसंद आया तो लाइक जरूर करें, मिलेंगे अगले वीडियो में, ये सबसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे वृत्त के, हम वृत्त को अब इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है, अगले वीडियो में मैं आपको आयतन से संबंधित प्रश्नों को कराऊंगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू, जय हिंद।